अमृतसर दी जिथे नशे दे करके एक होर घर का चिराग बुझ गया है। नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है। एक कहर लगातार बरकरार है। नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हुई है 30 साला सुखप्रीत सिंह की। 30 साला सुखप्रीत सिंह की नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हो गई अमृतसर दा रहण वाला दस्सिया जा रहा है। और कपड़े की फैक्ट्री दे विच इह मृतक मजदूरी करता सी। अमृतसर दे सुभाष कलोनी दा रहण वाला मृतक दस्सिया जा रहा है जिसकी उम्र महज 30 साल है। तो नशे दे करके हर इस तरह दी मंदभागिया खबर लगातार सामने आ रहे हैं। एक पासे पंजाब पुलिस की गल की जाए, प्रशासन की गल की जाए, तो उन्होंने वालों लगातार ये दावे किए जाते हैं। हालांकि इस संबंधा दे विच नशे दे संबंधा दे विच लगातार ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं जिस दे तहत नशा तस्करां ते नकेल पाउण दे लई वी पंजाब पुलिस जिहड़ी आ वचनबद्ध है। लेकिन इस दरम्यान जदों इस तरह दीआं तस्वीरां सामने आउंदीआं ने, इस तरह दीआं खबरां सामने आउंदीआं ने, तां प्रशासन दी कारगुजारी ते सवाल भी जरूर खड़े हुंदे ने कि आखिरकार फिर प्रशासन कित्थे इन्हां चीज़ां दे उपर नकेल कस रहा है या पुलिस दे वल्लों जिहड़ियां चैकिंगां कीतीआं जांदीआं ने। लेकिन उसके बावजूद भी नौजवानों दे तक यह नशा इन्नी वड्डी मात्रा दे विच किस तरह पहुँच रहा है, तो ये वड्डी खबर जिहड़ी अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है जिसकी उम्र महज 30 साल से। ते अमृतसर दी जिथे नशे दे करके एक होर घर का चिराग बुझ गया है। नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है। एक कहर लगातार बरकरार है। नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हुई है 30 साला सुखप्रीत सिंह की। 30 साला सुखप्रीत सिंह की नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हो गई अमृतसर दा रहण वाला दस्सिया जा रहा है। और कपड़े की फैक्ट्री दे विच इह मृतक मजदूरी करता सी। अमृतसर दे सुभाष कलोनी दा रहण वाला मृतक दस्सिया जा रहा है जिसकी उम्र महज 30 साल है। तो नशे दे करके हर इस तरह दीआं मंदभागिया खबरां लगातार सामने आ रही हैं। एक पासे पंजाब पुलिस की गल की जाए, प्रशासन की गल की जाए, तो उन्होंने वालों लगातार ये दावे किए जाते हैं। हालांकि इस संबंधा दे विच नशे दे संबंधा दे विच लगातार ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं जिस दे तहत नशा तस्करां ते नकेल पाउण दे लई वी पंजाब पुलिस जिहड़ी आ वचनबद्ध है। लेकिन इस दरम्यान जदों इस तरह दीआं तस्वीरां सामने आउंदीआं ने, इस तरह दीआं खबरां सामने आउंदीआं ने, तां प्रशासन दी कारगुजारी ते सवाल भी जरूर खड़े हुंदे ने कि आखिरकार फिर प्रशासन कित्थे इन्हां चीज़ां दे उपर नकेल कस रहा है या पुलिस दे वल्लों जिहड़ियां चैकिंगां कीतीआं जांदीआं ने। लेकिन उसके बावजूद भी नौजवानों के तक यह नशा इन्नी वड्डी मात्रा दे विच किस तरह पहुँच रहा है, तो ये वड्डी खबर जिहड़ी अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है जिसकी उम्र महज 30 साल से। ते अमृतसर दी जिथे नशे दे करके एक होर घर का चिराग बुझ गया है। नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है। एक कहर लगातार बरकरार है। नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हुई है 30 साला सुखप्रीत सिंह की। 30 साला सुखप्रीत सिंह की नशे दे ओवरडोज दे नाल मौत हो गई अमृतसर दा रहण वाला दस्सिया जा रहा है। और कपड़े की फैक्ट्री दे विच इह मृतक मजदूरी करता सी। अमृतसर दे सुभाष कलोनी दा रहण वाला मृतक दस्सिया जा रहा है जिसकी उम्र महज 30 साल है। तो नशे दे करके हर इस तरह दीआं मंदभागिया खबरां लगातार सामने आ रही हैं। एक पासे पंजाब पुलिस की गल की जाए, प्रशासन की गल की जाए, तो उन्होंने वालों लगातार ये दावे किए जाते हैं। हालांकि इस संबंधा दे विच नशे दे संबंधा दे विच लगातार ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं जिस दे तहत नशा तस्करां ते नकेल पाउण दे लई वी पंजाब पुलिस जिहड़ी आ वचनबद्ध है। लेकिन इस दरम्यान जदों इस तरह दीआं तस्वीरां सामने आउंदीआं ने, इस तरह दीआं खबरां सामने आउंदीआं ने, तां प्रशासन दी कारगुजारी ते सवाल भी जरूर खड़े हुंदे ने कि आखिरकार फिर प्रशासन कित्थे इन्हां चीज़ां दे उपर नकेल कस रहा है या पुलिस दे वल्लों जिहड़ियां चैकिंगां कीतीआं जांदीआं ने। लेकिन उसके बावजूद भी नौजवानों के तक यह नशा इन्नी वड्डी मात्रा दे विच किस तरह पहुँच रहा है, तो ये वड्डी खबर जिहड़ी अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे नशे दे करके नौजवान की मौत हो गई है जिसकी उम्र महज 30 साल से।